हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए, आपको हम दिखा रहे हैं सिंगर मशीन है, ये कैसे सील रहता है, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसमें क्या क्या निकलता है, उसके बाद इसको हम कैसे सेटिंग करते हैं। तो चलिए, मशीन को हम पूरा सील किया हुआ है, इसको खोल करके देखते हैं। देखिए, पहले रिबन लगा रहता है, इसको निकालना पड़ता है। अब ये पूरा सील किया हुआ है, इसको भी हम काटेंगे। देखिए, ये पूरा अंदर से सील किया हुआ रहता है। उसके बाद इसमें देखिए, चक्का ऊपर दे दिया है, इसको हम निकालेंगे और मशीन में सेट करेंगे कैसे। तो देखिए, इसको चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से काट लिया है, जो सेलो टेप लगा रहता है। काट लेने के बाद में इसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा कोइल निकला है, इसके साथ में स्टॉप मोशन, स्टॉप स्क्रू सब रहता है। मशीन को भी निकालेंगे। देखिए, ये हमारा मशीन निकल गया है। इसमें पहले से लगा हुआ है, सिंगल मशीन है, 2 इयर्स वारंटी भी दे रहा है कंपनी। कंपनी सिलाई टेस्ट करके भी दिया है कपड़ा दिखा करके। ये बॉबिन वाइंडर है, इसको भी हम फिट करेंगे ताकि हम धागा मशीन से भर सके। ये स्टूल बॉक्स निकला, ये मैनुअल बुक किसका निकला है, इसमें वारंटी रहता है। ये जब साफ करने के लिए भी देता है पाउडर। देखिए दोस्तों, ये हमारा पूरा सिंगल मशीन है, अभी इसको हम जस्ट अनबॉक्सिंग किए हैं। ये सब खुला हमारा आता है, इसको हम सेटिंग करने के बाद में थोड़ा इसको टेस्ट भी करेंगे कि ये मशीन हमारा कैसे चल रहा है। तो आइए, अब स्टार्ट करते हैं मशीन सेट कैसे किया जाता है। ये जो स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ आप हैंडल भी लगा सकते हैं और मोटर भी लगा सकते हैं, इसलिए ये पहले से लगा हुआ रहता है। और इस टूल बॉक्स में क्या क्या आता है वो भी हम आपको पहले दिखा देते हैं, तब फिटिंग करेंगे। देखिए, ये इसको एसेसरी बॉक्स बोला जाता है, कंपनी देता है मशीन के साथ फ्री। इसमें हमारा निकलता है मशीन ऑयल, स्पूल पिन, बॉबिन, एम्ब्रॉयडरी प्लेट। इस पैकेट में हमारा मेजरमेंट टेप है, स्पूल पिन वाशर है, छोटा बड़ा पेचकस है, सुई है, धागा डालने वाला है, और आपको एक फ्री में रेंच भी देता है, आप स्टार्ट फिटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मटेरियल जो कंपनी दे रहा है, वो हम आपको दिखा दिए हैं क्या क्या आता है। तो चलिए, अब शुरू करते हैं, बॉबिन वाइंडर स्टार्ट करते हैं लगाने के लिए। इसमें होल बना हुआ रहता है, जो कि ये दोनों स्क्रू हम इसमें पहना सके। देखिए, ये बॉबिन वाइंडर दोनों साइड से हम स्क्रू लगा लिए हैं। पेचकस लगा करके पहले इसको पकड़ के रखिएगा, उसके बाद इसको टाइट कीजिएगा। वन साइड टाइट कर लिए थोड़ा, फिर सेकेंड स्क्रू को भी हम इसमें टाइट कर लेंगे। वाशर दे करके ये स्टॉप मोशन बोला जाता है, इसको टाइट कर देंगे।
इसमें स्क्रू हम लगा लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्पूल पिन लगाएंगे। देखिए इसका सारी चीज़ें हमने लगा दिया है, ये मशीन अब हो गया कंप्लीट। इसको टॉप डाउन करिएगा, ये स्लाइड प्लेट बोला जाता है, स्टार्टिंग में थोड़ा जाम रहता है, इसको अप डाउन कर देने से फ्री हो जाता है। हमारा अब हो गया कंप्लीट मशीन। अगर आप भी न्यू मशीन लेते हैं, ये सब फिट नहीं हुआ रहता है, तो आप घर में भी अपने से लगा सकते हैं और मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अनबॉक्सिंग कैसा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।